मिलते हैं गांव के एक ऐसे ज्ञानी से, एक ऐसे नव प्रवर्तक, एक ऐसे ग्रासरूट्स इनोवेटर से जिन्होंने काम ऐसा कर डाला है कि इंजीनियर्स हक्के बक्के रह गए। पूर्वी चंपारण बिहार के शहर मोतिहारी के मोहम्मद सईदुल्ला एक ऐसे ही अन्वेषक हैं जिनका घर बाढ़ में डूबा तो पानी पर चलने वाली अनोखी साइकिल बना डाली। इसका नयापन देखिए, इसके दोनों पहियों में दो जोड़े हल्के आयताकार टिन के डब्बे यानी रेक्टेंगुलर एयर फ्लोट्स लगे हैं। जिनको मोड़कर अगर यूं उठा दिया जाए तो ये साइकिल सड़क पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनकी ये साइकिल गंगा नदी एक दो बार नहीं दर्जनों बार पार कर चुकी है। वैसे तो पानी पर चलने वाली दुनिया में और भी साइकिल्स हैं, लेकिन महंगी इतनी कि चंपारण शायद कभी ना पहुंच पाए। इतनी सस्ती और बनाने में इतनी आसान ये साइकिल अपनी मिसाल आप है। पेडल चलाते हुए पिछले पहिए के स्पोक से जुड़े हुए पंखों के ये चौकोर फलके यानी रेडियल ब्लेड्स जब घूमते हैं तब पानी को पीछे की तरफ ये धक्का देते हैं तो साइकिल पानी में आगे चलती है, और अगर पेडल उल्टा चलाया जाए तो साइकिल पीछे चलने लगती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने सईदुल्ला को 2005 में ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का नेशनल फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। यही तो बात है जो आज तक पैजामा और जमा निकाल कर खोल कर हम रोड पर नहीं दौड़े। मोहम्मद सईदुल्ला एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल के एशियन इनोवेशन अवार्ड में भी 12 सेमीफाइनलिस्ट्स में से एक है।